स्टूडियो लाइव में आपका स्वागत है। जिला परिषद पद के उम्मीदवार, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22, नर्मदा शंकर। अभी हमारे साथ नर्मदा शंकर जी हैं, जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, मरवन संख्या 22 इनका है, और ये पूर्व में भी जिला परिषद रह चुके हैं और क्षेत्र में सिटी न्यूज़ टुडे की टीम घूमी है तो पता चला है कि पूर्व में ये जब जिला परिषद थे और जितना इन्होंने काम कराया है बस उतना ही रुका हुआ है। उसके बाद दो टर्म लोग बने हैं, कुछ काम नहीं हो पाया है, जनता हिसाब ले रही है। आइए खुद हम जानते हैं नर्मदा शंकर जी से कि आगे की क्या इनकी रणनीति है, बताया जाए। 2001 में सर्वप्रथम जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जनता के आशीर्वाद से हमारी जीत हुई। उसके बाद जनता क्षेत्र में, जनता द्वारा जीत के बाद क्षेत्र में हमारे क्षेत्राधीन 7 पंचायत आते हैं। 7 पंचायत में मेरे द्वारा उस समय कम मतलब सरकार का ध्यान था पंचायती राज पे, कम फंड आया, उसके बावजूद भी अपने प्रयास से, क्योंकि हमारा क्षेत्र अति निर्धन दलित गरीबी से जूझ रहा क्षेत्र है, तो मैं हाउस में लड़के और 7 पंचायत में काम कराने का काम किया था। उस समय हमारे द्वारा हर प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक भवन, रोड, पुलिया, नाला, रिक्शा, टेम्पो वगैरह वगैरह का जिस परिस्थिति में हो लाए और लाके चारों तरफ 7 पंचायत में मैंने कार्य किया। और उसका आज 20 वर्ष के बाद फिर जब पुनः लड़ाई के मैदान में हम आए हैं तो उसमें आज तक शिलापट 7 पंचायत में दिख रहा है। हमारे क्षेत्र छोड़ने के बाद महिला सीट रिजर्व हुआ, उसके बाद हम लड़ाई नहीं लड़े। 15 साल में जो भी जिला पार्षद आए इस क्षेत्र में उनका काम नगण्य रहा। तो जनता के अनुरोध पर इस बार पुनः हम जिला परिषद चुनाव लड़ने आए हैं और जनता को विश्वास है कि जो 15 साल पहले 2001 में 20 साल पहले जो चुनाव लड़े थे और 7 पंचायत में कार्य किया था उसका वो अभी तक सबको विश्वास है कि एक ईमानदार छवि का व्यक्ति फिर मैदान में आया है और जब ये आएगा तभी क्षेत्र में विकास होगा। अन्यथा 90% नहीं 99% लोग आते हैं चुनाव में, कोई जाति आधार पर आते हैं, कोई लूटने के लिए आते हैं और अपने ठेकेदारी प्रतिनिधि करते हैं और जब क्षेत्र में काम नहीं होता है रोड छिलके